नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्रोत दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। आज हम बात करेंगे दोहरीघाट नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की पूरे दमखम के साथ तैयारी में लगे विजय कुमार गुप्ता से। जानते हैं पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ, कहाँ कमियाँ रह गई, यदि अवसर मिला तो उनकी प्राथमिकताएँ क्या होगी। जी, मेरा नाम विजय गुप्ता है। इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी वर्तमान समय में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इस एरिया से, नगर पंचायत दोहरीघाट से मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो कितना रूबरू है क्षेत्र की समस्याओं से आप? क्षेत्र की समस्याओं से हम 100% रूबरू। सड़क नाली बिजली पानी की क्या स्थिति है, कितना विकास हो पाया आपके? देखिए, सड़क नाली बिजली पानी की व्यवस्था तो जितने लोग आते हैं करते ही है। इन सारी समस्याओं के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकताएं जरूरी हैं। जैसे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, युवाओं के लिए अभी जगह जगह जिम चाहिए, तो उसके लिए हम ओपन जिम के बारे में सोचे हुए हैं। और झूला वगैरह है, बच्चों के खेलने के लिए झूला वगैरह की जरूरत पड़ती है। नगर की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे की जरूरत है। और वार्ड क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक शौचालयों की क्या स्थिति है? हमारे नगर पंचायत दोहरीघाट क्षेत्र में बहुत सारी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, लेकिन सबके सब बंद पड़े हुए हैं। अगर चुनाव हम जीतते हैं तो आने के साथ पहली प्राथमिकता ये होगी कि जल्द से जल्द उसको, जिस भी प्रक्रिया से, कुछ नीलामी प्रक्रिया से या कर्मचारियों के माध्यम से, उसको तुरंत चालू कराया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। और ये जो पार्क वगैरह की बात कर रहे हैं, ये कब तक उम्मीद तक कर सकते जी है? ओपन जिम की व्यवस्था तो जितने के 3 महीने के अंदर हम करा देंगे। जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पार्क या बच्चों के लिए खेल का मैदान है, वो अफीम कोठी की जमीन है। कम से कम उसमें 6 महीने का समय लगेगा। इसके साथ ही साथ हम 2 वार्डों में और उनके रास्तों की समस्याओं के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। इसके लिए हमने जब दोहरीघाट में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में माननीय मंत्री जी श्री AK शर्मा जी आए हुए थे, तो उनको हमने एक पत्राचार के माध्यम से एक शिकायत भी दिया हुआ था, जो सम्मिलित मोहल्ला में थाने की बाउंड्री वाल से लेके टीचर कॉलोनी की मुख्य मार्ग मकान तक जो रास्ता है, बीच में वो सहकारिता संघ की वजह से नहीं मिल पा रहा है दोहरीघाट को, तो एक मार्ग वो मेरे प्राथमिकता में होगी। दूसरा, नवापुरा में 2-3 मुख्य मार्गे हैं, जैसे एक मार्ग है लाल मुनि पांडे के मकान से विजय राय के मकान तक, जो सिंचाई विभाग ने इसके पहले काम कराया हुआ, जो अभी तक दोहरीघाट नगर पंचायत को नहीं मिल पाया है। चुनाव जिस दिन हम जीतते हैं तत्काल उस पर लग जाएंगे, 1-1.5 महीना के अंदर उसको दोहरीघाट में नगर पंचायत को सिंचाई विभाग से NOC दिलवा के तत्काल उस पर कार्य कराने का कार्यक्रम।